और रॉड को अंदर बुल्ली जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। रॉड बोलता है, ये लोग तो बेचारे बुल्ली का बहुत बुरा हाल कर चुके हैं, मुझे बुल्ली को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। और फिर रॉड बुल्ली को अपने कंधे पर बैठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और इसकी भी टॉयलेट हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली और शॉन काश्मीर घूमने के लिए घर से निकलते हैं, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वहां पर से एक गाड़ी गुजरता है जिसके अंदर बहुत सारे अजीब लोग बैठे हुए रहते हैं और उनके हाथ में हथियार भी रहता है। ये तीनों डर के मारे बगल वाले होटल में चले जाते हैं और वहीं पर रात में रुकने का फैसला करते हैं। सारे लोग सोई रहे होते हैं तभी वहां पर किसी के गाने की आवाज आती है। बुल्ली उठ जाता है और कमरे के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद टॉयलेट के अंदर से आवाज आ रही होती है। बुल्ली टॉयलेट के अंदर जाता है तो इसकी भी टॉयलेट बुल्ली पर हमला कर देता है। गुल्ली और शॉन बुल्ली की आवाज सुनकर कमरे के बाहर जाते हैं तो बाहर होटल का मालिक मिलता है जो कि अपना गला खुद काट लेता है। गुल्ली बुल्ली वहां से भागकर बाहर चले जाते हैं। ये लोग वहाँ से भागकर बाबा को बुलाने जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्केपी टॉयलेट बुल्ली और वो मालिक होटल से बाहर निकल रहे होते हैं। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता है, शॉन वो देखो बुल्ली। शॉन बोलता है, बुल्ली वहाँ पर आखिरकार क्या कर रहा है? और उसके साथ साथ उसके बगल में होटल का मालिक भी है जिसका सर कटा हुआ है, और वो टॉयलेट जैसा दिखने वाला इंसान कौन है? गुल्ली बोलता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है शॉन। शॉन बोलता है, ये सब छोड़ो, देखो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सभी तो जंगलों के अंदर जा रहे हैं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोलता है, शॉन हमें पहले बाबा को बुलाना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग इन सभी का पीछा करेंगे और ये लोग ने हमें देख लिया तो फिर ये सभी भी हमारा हाल बुल्ली के जैसा कर देंगे। शॉन बोलता है, अगर हम लोग बाबा को बुलाने जाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, ये लोग बुल्ली को मार देंगे, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोलता है, तू हम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? देखो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और फिर गुल्ली और शॉन उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, शॉन तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना क्योंकि अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर वो लोग हमें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। शॉन बोलता, गुल्ली जल्दी छिपो, देखो वो लोग वहीं पर रुक चुके हैं। ये लोग रुक कर इधर उधर देखने लगते हैं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं और इधर गुल्ली और शॉन भी इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो एक पुराने बंगले में जा रहे हैं। गुल्ली और शॉन झाड़ियों में छिपकर इन लोगों को देखते हैं। गुल्ली बोलता है, ये लोग तो इस बंगले के अंदर चले गए हैं, हमें भी इस बंगले के अंदर चलकर देखना चाहिए। शॉन बोलता है, नहीं गुल्ली ऐसी गलती करने की सोचना भी मत क्योंकि मुझे ये बंगला बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है और हो सकता है कि इसके अंदर और भी अजीब लोग हों। गुल्ली बोलता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? शॉन बोलता है, इंतजार करो, बाबा लंगोटी लाल का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तभी उस बंगले के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। शॉन बोलता है, गुल्ली कहीं ये चीखने चिल्लाने की आवाज बुल्ली की तो नहीं? शॉन की बातें सुनकर गुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। तभी वहाँ पर किसी की बाइक की आवाज आने लगती है। गुल्ली और शॉन इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है, और रॉड यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर रॉड अपने बाइक को उस बंगले के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। शॉन बोलता है, ये क्या, रॉड ने तो उस बंगले के बाहर अपनी बाइक को लाकर खड़ा कर दिया है, उसे शायद पता नहीं है कि उस बंगले के अंदर कितने भयानक भयानक लोग रहते हैं, अगर वो लोगों ने रॉड को देख लिया तो वो लोग तो रॉड को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। गुल्ली बोलता है, हमें कुछ करना होगा जिससे कि रॉड यहाँ पर देखे और यहाँ पर आ जाए। और फिर गुल्ली और शॉन झाड़ियों से निकलते हैं और रॉड को इशारा देने लगते हैं, लेकिन रॉड तो इधर देखने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी उस बंगले के अंदर से वही सर कटा हुआ आदमी निकलता है। गुल्ली और शॉन जैसे ही उस आदमी को देखते हैं वो लोग फिर से झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। शॉन बोलता है, गुल्ली कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया?
गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और वो छुपकर रॉड को देखने लगता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो बहुत सारा पिज्जा का बॉक्स लाया है और ये तो उस आदमी को दे रहा है। लगता है कि रॉड उस आदमी को अच्छे से जानता है। और फिर वो आदमी पिज्जा का बॉक्स लेकर उस बंगले के अंदर चला जाता है और एक बार फिर से गुल्ली और सॉन झाड़ियों से निकलकर रॉड को इशारा देने लगते हैं। और रॉड जैसे ही गुल्ली और सॉन को देखते हैं वो दौड़कर उनके पास चला जाता है। रॉड बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि ये इलाका कितना खतरनाक है। गुल्ली बोलता है, रॉड तुम्हें कैसे पता चला कि ये इलाका खतरनाक है? रॉड बोलता है, ये इलाका स्क्रिप्टी टॉयलेट का है और यहाँ पर अगर कोई भी इंसान दिख जाता है तो फिर वो इसकी भी टॉयलेट उसे अपने कब्जे में कर लेता है। सॉन बोलता है, वही टॉयलेट जैसा दिखने वाले इंसान ने बुल्ली को कब्जा कर लिया है। रॉड बोलता है, ये क्या बोल रहे हो सॉन, और आखिरकार बुल्ली है कहाँ? गुल्ली बोलता है, जिस बंगले में तुमने पिज्जा पहुँचाया है उसी बंगले में ये लोगों ने बुल्ली को लेकर गए हैं। रॉड बोलता है, तुम लोग को शायद पता नहीं है कि आज ये लोग इस बंगले में पार्टी कर रहे हैं और जरूर ये लोग बुल्ली को मार कर खा जाएंगे। गुल्ली बोलता है, रॉड तो हम लोग बुल्ली को कैसे बचाएंगे? रॉड बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर बुल्ली को देख कर आता हूँ। सॉन बोलता है, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। रॉड बोलता है, नहीं गुल्ली और सॉन, अगर तुम दोनों जाओगी तो वहाँ पर और भी मुसीबत बढ़ जाएगा। अगर उन लोगों ने तुम लोगों को देख लिया तो वो लोग तुम्हारा हाल भी बुल्ली के जैसा करेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं ही जाकर देखता हूँ। तुम लोग यहीं पर मेरे आने का इंतजार करो। इतना बोलकर रॉड उस बंगले के अंदर जाने लगता है। और इधर गुल्ली और सॉन झाड़ियों में बैठकर रॉड के आने का इंतजार करने लगते हैं। रॉड जैसे ही अंदर जाता है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। रॉड बोलता है, बुल्ली जरूर ऊपर ही होगा। और फिर वहाँ से रॉड सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर सारे लोग नाच गाना कर रहे हैं और यहाँ पर तो और भी मॉन्स्टर आए हुए हैं। सारे लोग तो उछल उछल कर डांस भी कर रहे हैं और इधर रॉड इन सभी का डांस छुप कर देख रहा है। रॉड इधर उधर देखता है लेकिन बुल्ली तो यहाँ पर है ही नहीं। रॉड बोलता है, लगता है कि बुल्ली यहाँ पर नहीं है, ये लोग जरूर शायद बुल्ली को किसी और कमरे में छिपा कर रखे होंगे, मुझे किसी और कमरे में जाकर बुल्ली को ढूंढना होगा। और फिर रॉड एक एक करके सारी कमरे को चेक करने लगता है। तभी रॉड को एक कमरे के बाहर खून गिरा हुआ मिलता है। रॉड बोलता है, इतना सारा खून, कहीं ये खून बुल्ली का तो नहीं, और ये खून का निशान तो सीधा इस कमरे के अंदर ही जा रहा है, लगता है कि बुल्ली इसी कमरे के अंदर है। और फिर रॉड दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला जाता है और रॉड को अंदर बुल्ली जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। रॉड बोलता है, ये लोग तो बेचारे बुल्ली का बहुत बुरा हाल कर चुके हैं, मुझे बुल्ली को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। और फिर रॉड बुल्ली को अपने कंधे पर बैठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। और इधर गुल्ली और सॉन रॉड के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली और रॉड का? क्या ये दोनों स्कीवी टॉयलेट के हाथों मारे जाएंगे या फिर गुल्ली और सॉन इस बंगले के अंदर जाकर रॉड और बुल्ली को बचा लाएंगे? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।